पहले ये चीज जो सभी लोग पूछते हैं मोस्टली कि आप अमेरिका कैसे आए? प्लेन से. आप कैसे आते हो? कागज की पेटी बना के. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. सब्सक्राइबर्स काफी जो कमेंट्स लिखते हैं वो ये भी चाहते हैं कि हम अपने बारे में कुछ बताएं. तो यू नेवर एक्चुअली गॉट द इंट्रोडक्शन दैट वी वांटेड. तो मैं आई एम फ्रॉम पंजाब. आई लव पंजाबी. आई लाइक हिंदी समटाइम लिटिल बिट एंड इंग्लिश आई लाइक वेरी वेरी मच. वेरी लिटिल लिटिल हियर एंड देयर. बट कि लोग जानना चाहते होंगे कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं? मैं वो कीड़ा हूँ जो पत्थर में रहता हूँ. यार मुझे लगा था हम ये वीडियो प्रॉपरली यू नो बैठ के चिट चैट करेंगे और ये सीरियस वीडियो करूंगी. अच्छा, मैं थोड़ा सा बट हिंदी में मेरी बात सुन. आज तक मैं कभी ऐसे सीरियस होकर वही तो मैं वो हंसी भी आ रही है मुझे. लेकिन जस्ट आप बताएं कि आप कहाँ से हैं. मेरा पिंड मियानी. मियानी इसका नाम बहुत पहले से था तो फिर मियामी ने सोचा कि ओह वाह मियानी वी लाइक मियामी ओके हम मियामी रखते हैं इसका नाम. तो बेसिकली विकी कह रहा है जो फ्लोरिडा में मियामी जो सिटी है वो इनके पिंड मियानी के ऊपर वो नाम पड़ा है. मतलब पहले मियानी था तो मियामी ने कॉपी किया है. बस यही है कि उसके पास वो अटलांटिक ओशन है और हमारे पास ब्यास दरिया. हमारे गांव से पीछे ब्याज दरिया निकलता है और इनके बस कोई हिंदी ही बोलूंगा. मैंने प्रण कर लिया है. प्रण की होता है? प्राणी होता है लेकिन मुझे लगता है आजकल कोई बोलता नहीं होगा ये वर्ड. क्यों? मैंने हिंदी देखो मेरे शब्द ऐसे ही होंगे हिंदी में क्योंकि जितनी की मैंने हिंदी सीखी मैंने महाभारत ये वो देख के सीखी है तो ऐसे ही शब्द आएंगे. ओके चल देवी. आप बताएं कि आप कहाँ से हैं. आप वो तो चलो आपने बता दिया आपका पेंट. तो आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए? जिम की फीस पे की और शुरू कर दिया. अच्छा कहानी बहुत लंबी है मेरे दोस्त. चलो हम चलते हैं कुछ साल पहले जब मैं आई थिंक मैं थर्ड क्लास में था तो तब हमारे गांव में पहला जिम खुला था. अभी भी जा दूं मुझे और वो जगह पे आज भी जो वो दुकान है ना तीन चार दुकान है वो उनके अंदर जिम था. वो आज भी उधर है जिम ही लेकिन किसी और बंदे का. इतनी देर होगी. अच्छा वो जो बार बार है? हाँ. अच्छा, हिंदी बोल. अच्छा, नहीं तो वो जो मैं बार बार है बार बार. हाँ तो तब मैं थर्ड में था तो मेरे जो मोहल्ले के लड़के थे ना. हाँ ठीक बोल रहे हो. मगर मुझे लगा मैंने गलत हिंदी बोल दी. मोहल्ले के लड़के थे ना तो वो सभी बड़े थे मेरे से जैसे 20 साल का कोई 25 का कोई है ना ऐसे. तो वो सभी जाते जिम जाते थे तो मैं था और मेरे साथ दो ही लड़के थे और जो हम जो मेरी उम्र के थे तो ज्यादा बड़े ही थे तो वो जाते थे तो हमें भी होता कि जो होता था कि वो जो बड़े करते हैं वो हमने करना है पाजी वाला के ओ पाजी 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 बढ़िया. मतलब जो बड़े करते हैं वो बढ़िया ही होता है ना. तो तब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था तो तब फीस मैंने पे की थी 200 रुपए. तब अभी भी ज्यादा कुछ दिन के लिए गया था 15-20 दिन गया था जब मैं सबसे पहली बार थर्ड ग्रेड में गया था. तो तब से यू नो होता ना कि जो बड़े करते हैं वो हमने भी करना है. तो तब से जैसे था कि हाँ बॉडी बनानी है क्योंकि ये बढ़िया चीज है कि बड़े कर रहे हैं कुछ तो अच्छा ही होगा तो ये करना है. और ये नहीं था कि बॉडी बनानी वो तो जेनेटिक्स बढ़िया थे तो ठीक है. हाँ तो उसके बाद फिर जिम मैंने मेरा उसके बाद जिम जब सेवन्थ के बाद मैं ऑन ऑफ ही रहा. 2 महीने कर लिया 3 महीने छुट्टी 2 महीने कर लिया 1 साल नहीं किया. फिर जब मैं इधर अमेरिका आया इन 2004 तो इधर मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं पैदल चल के जाता था 1 घंटा. सर्दी गर्मी जो भी का मौसम आया गर्मी कूल का मतलब कुछ भी होता था तो मैं पैदल के जाता था. यार एक मुझे सॉरी मैं कट कर रही हूँ. मुझे एक इंसिडेंट विक्की ने बताया था जब वो यहाँ नया आया था अमेरिका में तो. हाँ मैं बताता मैं ना जिम हम पहले 2004 की बात तो हम इधर आए ना तो मुझे था कि
जिम ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं तकड़ा था तो मुझे था कि इधर अभी करना है, उसको कंटिन्यू करना है, थोड़ा हफ्ते में एक दो बार तो जाऊं जिम। गए मैं और मेरी मौसी का लड़का, मौसी का लड़का, हम जिम गए तो उधर ना हमें ना ट्रेनर मिला फ्री में, मतलब ट्रेनर नहीं डाइटिशियन मिला फ्री में। तो वो हमें पूछ रहा है कि तुम्हारी डाइट क्या है, हम बता दी घर का खाना खाते हैं बस ये वो ना। तो कहते चलो मतलब आज का बताओ आज क्या खाया, सुबह ये खाया है ना, अभी कहता अभी क्या खा के आयो, मैं खा के क्या था बैंगन। और मैं सोचू बैंगन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं इट्स पर्पल इट्स राउंड समटाइम इज स्किनी एंड लॉन्ग समटाइम इज टाइनी एंड फैट। वो हंसे, वो मतलब वो हंस नहीं रहा था लेकिन वो हंसी रोक रहा था। और मेरी मौसी का लड़का जो इधर ही बड़ा हुआ है ना, वो 10-12 साल से इधर ही था, मैं उसकी शक्ल की तरफ देख रहा हूँ कि यार मुझे तुम्हें मालूम, तुझे भी नहीं मालूम। फिर उधर से मेरा इतना कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि भाई इनको भी नहीं इधर कुछ मालूम, तो हम भी यू नो। फिर उसको समझ आ गई कि बैंगन खाए थे कि नहीं ट्रेनर को। मैंने फिर बोल दिया, मैं कहा वेजिटेबल, मैं कहा इट्स वेजिटेबल पर्पल। क्या फेंक दी। ओके तो ये थी आपकी थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग स्टोरी आई थिंक। हां और भी है, और भी है। अच्छा मैं भूल गया हूं कितने पहुंचे मैं अमेरिका में जब आप आए तो। हां तो उसके बाद नहीं, पहले एक मिनट, एक पहले ये चीज जो सभी लोग पूछते हैं मोस्टली कि आप अमेरिका कैसे आए। प्लेन से। आप कैसे आते हो, कागज की पेटी बना के? What is? Tell them what it is. यार मेरा आना ना बहुत इजी था कि मेरे डैड इधर ऑलरेडी सिटीजन थे, सिटीजन थे तब भी, तो उन्होंने हमारा अप्लाई किया था। हम गए एम्बेसी वीजा वूजा के लिए, जब पापा ने अप्लाई किया तो हम गए, तो उधर ना एम्बेसी में ना वो गोरी थी जो हमारी इंटरव्यू ले रही थी। तो हुआ क्या, मैं था तब सेवंथ में था मेरे ख्याल से, सेवंथ में था। तो हुआ क्या, उनको तो सभी लैंग्वेज आती, पंजाबी हिंदी वो सीखी होती है उन्होंने सभी। वो पूछ रही कि अच्छा, कहती पंजाबी में तेरे दादाजी की कर दे। मैं बोल रहा माय ग्रैंडफादर एक्चुअली स्टैंड फॉर यू नो पंचायत, देयर इज पंचायत 5 मेंबर्स दे सिलेक्ट। मैं जितनी आती मैंने थुक लगा के जोड़ती सारी इंग्लिश मैंने बोल दी उधर। तो वो समझ गई कि हाँ भी पास है केस। तो मैं समझा दिया, मैंने मिल गया था, नहीं मिला होगा, मिल गया ही। अच्छा ताही ताही फिर। नहीं वो तो मिलना ही सी फिर, वो तो सिटीजन ग्रीन कार्ड वाला वीजा होगा ना, वो तो फिर मिलना ही, उसके भी इंटरव्यू होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो डिनाई नहीं होते, वो ज्यादा डिनाई नहीं होते, सब कुछ होता है। हाँ जी, तो मुश्किल नहीं था इधर आना, लेकिन मैं इधर रहा नहीं इतना। मैंने 2-3 साल इधर पढ़ाई की और दैट्स इट, उसके बाद पहले भी इंडिया और बाद में भी इंडिया। तो जब मैं था 11th में था मेरे ख्याल से, तो तब 11th 12th ऐसे कुछ था, तब ना मैंने पहला शो किया था इधर। फिर आहिस्ता आहिस्ता करता गया, फिर इंडिया जाके थोड़ा किया और फिर मैं मिला जॉर्ज से। So this was a little about Bikki. So abhi now back to me, who I am and main America kaise aayi. So main America kaise aayi, actually main America aayi bahut pehle aayi thi main yahan pe America 2014 mein main yahan aayi thi kyunki mera visa laga tha, B2 visa, visitor visa mere paas tha America ka, kyunki ek conference thi jo mujhe attend karni thi, to us basis pe mujhe visa mila. Logo bata bhi na, main wahi batane lagi hu, pehle wo batao fir batate hain baad mein. To okay, theek hai. Acha to Bikki wants me to start from the very beginning ki main India mein kya kar rahi thi jo mujhe B2 visa mil gaya. Main India mein PhD kar rahi thi, main ground mein tel rahi thi, B2 visa पढ़ा था, मुझे मिल गया। इंडिया में मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो मैंने कुछ ऐसे टेस्ट क्लियर कर लिए थे इंडिया में जो कि बहुत कम लोगों के क्लियर होते हैं। तो मुझे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से 30,000 पर मंथ तब भी मिलता था। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आपको जैसे कॉन्फ्रेंसेस पे जाने का मौका मिलता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कॉन्फ्रेंसेस पे जा सकते हो। तो मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ अमेरिका में थी, डेनवर में, कोलोराडो, मैंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस देखी जो मुझे लगा कि इट रियली हेल्प मी इन माय स्टडी।
तो मैंने उस बेसिस पे वीजा लिया और वो वीजा मुझे मिल गया और फिर मैं इस बेसिस पे 2014 में फर्स्ट टाइम अमेरिका आई थी और उसके बाद मैं शादी के बाद ही आई हूँ। 2017 में हमारी शादी हुई दिसंबर में, 2018 में फिर हम आ गए थे यहाँ पे। तब से हम काइंड ऑफ लगातार यहाँ रह रहे हैं, नॉट लगातार लाइक 7 months एट अ स्ट्रेच, फिर हम 4-5 महीने इंडिया। जब भी तो स्नो पड़ती तो हम इंडिया चले जाते हैं और जब वहाँ पे गर्मी पड़ती हम इधर आ जाते हैं। हाँ, और व्लॉगिंग का कैसे हमारा मन हुआ हम उस पर बात करते हैं अब थोड़ी सी। आई गेस बिकिन का प्लान था, इनफैक्ट हमारा वो थोड़ा सा व्लॉग पड़ा भी होगा विच एक्चुअली वॉज नेवर पुट अप। वो बिक्की जब इंडिया से आया था लास्ट ईयर शेरू क्लासिक जीत के जुलाई वाला, तो बिक्की आया तो बिक्की ने मुझे बोला कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा भी एक चीज़ होती है, लोग ऐसे भी करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि सब लोग बोलते हैं ऊपर से बिक्की को कि यू नो वी वॉन्ट यू टू व्लॉग, तो बिक्की ने मुझे बताया, मैंने कहा ओके लेट्स डू इट, मैं कर लूंगी, मैं हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसी चीज़ों में, मैं कर लूंगी, पूरा बताऊंगी। तो अगले दिन जैसे सुबह उठे और बिक्की कहता है हाँ, तो बिक्की कहता है चलो आज हम व्लॉग करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग लगे कि नहीं मैंने नहीं करना। तो फिर बिक्की मुझे अपने जैसे हम जिम गए, आई रिमेम्बर हम कार्डियो करने गए तो बिक्की बना रहा था व्लॉग और मैं भी बोल रही थी कुछ, फिर बीच में मैंने बोल दिया उसको, मैंने कहा यार मैं क्यों करूं, मुझे आई एम नॉट कम्फर्टेबल। नहीं, मैंने उसको बोला कि रितु यार तूने बोला था कि हम दोनों करेंगे, कहती मैंने तभी ना करनी थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं मौके पे ना कर दूंगी आके। नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ, ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकती। तू यार झूठ, ऐसा कौन बोल सकता कि था कि मैं करूं लेकिन मैंने मना कर दिया जो लास्ट मोमेंट पे काइंड ऑफ मना कर दिया, तो इस वजह से फिर वो इट नेवर एक्चुअली। तीन महीने डिप्रेशन में रहा, मेरी दवाई भी चली थी तब लॉकडाउन में, मैंने ऐसे जाकर इसके अंदर ना चिंगारी बढ़की यूट्यूब पे, यू नो लोग यूट्यूब से भी करियर बनाते हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग वाले वीडियोस देखने शुरू किए और मुझे अच्छे लगे। बिक्की को पता ये ऐसे, तो बिक्की ने मुझे याद करवाया कि तुझे याद है कि मैंने भी तुझे सेम चीज बोली थी 1 साल पहले। हाँ, तो फिर मैंने फिर मेरा तब इस बार ही फिर मैंने सोचा कि जब हम जर्नी करेंगे जो अमेरिका तो जाएंगे, इस बार हमारी ये आपस में वो हुई थी कमिटमेंट के मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ बोलना और करना, बाकी सारा काम तू खुद ही करेगी। हाँ, तो अभी भी ऐसे इसी पे चल रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हमें उस चीज के लिए कॉमेंट्स आते हैं, हम उस चीज के लिए लाइक्स आते हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो दैट इज रियली अ वेरी गुड रिवॉर्ड। तो दैट वॉज अ लिटल अबाउट अस। तो अभी भी हम कोशिश करते हैं जितना हो सके, हम हमारे से होता नहीं इतना जितना हम कर रहे हैं फिर भी। हाँ, बिक्की का स्केड्यूल ऐसा होता है कि बहुत टाइट होता जैसे है। जैसे मैं सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ, अपनी 5:30 अपनी मेरी पहली मील होती है और 7 बजे जिम के लिए निकलना, जिम जाके उधर से मैं आता हूँ 10:30 और 10 बजे आ जाता हूँ और 10 से 11:30 के बीच खाना बनाना, उसको पैक करना, नहाना और काम पे जाना, ये काम करना है। तो काम पे जाता हूँ, काम से आता हूँ मैं अराउंड 5:30 एवरेज, तो उधर से आके फिर खाना, फिर नहाना और उसके बाद फिर तो आप जाए फिर क्यों होगा, उन्होंने कहना कि पीछे कौन तो रहे है? आप अगर आत्मा ही आप कैमरे ते उसके बाद फिर माता हूँ अराउंड 5:30 आता हूँ, फिर आके खाना नहाना और फिर उसके बाद 2-3 क्लाइंट होते हैं उनको ट्रेन करने जाना, तो टाइम ही नहीं मिलता कोई फिल्म करने का, और ये भी पूरा दिन तरमीन के साथ होती है। देखा भी होगा कि हमने जितने व्लॉग बनाए वो तरमीन हमारे साथ मोस्टली नहीं होती, वो तब बनते हैं जब मेरा लेग डे या बैक डे होता है तब मैं छुट्टी करता हूँ काम से, तो उस टाइम हम क्या करते हैं जब तरमीन सोना होता ना, जैसे जैसे मतलब 2 बजे सो गई 2:05 बजे हम घर से बाहर व्लॉगिंग। और इतनी एक अच्छी चीज है इस लड़की की, जब भी से लाइक सिंस बर्थ ही ऐसी है, इसकी स्लीप बहुत अच्छी है थैंकफुली। ये हम जो आप लोग के लिए बाहर जाते हैं ये सब वो कर लेते हैं, टाइम मिल जाता है हमें भी और हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो या दैट वाज अ लिटिल अबाउट अस एंड आवर जर्नी टू व्लॉगिंग, और फ्यूचर में आपका अगर प्यार मिलता रहे तो हम ऐसे ही लगे रहेंगे, तो आप प्लीज हमें प्यार देते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ। तो आज बिक्की लेके जा रहा है मुझे बाहर खाने, जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट में। बिक्की
चीज निकाल रहा है, चुन चुन के निकाल रहा है, चुन चुन के जिधर जुआ नहीं कटी दी है। हाँ, और मैंने मंगवाया है श्रिम्प। तुम्हें कह रहा मुझे पता, जैसे इंडिया वाला हनी चिली कॉलीफ्लावर नहीं होता वैसे वाली लग रहा है, वैसा होगा। कितने नंबर देते हैं अब 10 में से? 10। हाँ, सो गुड, लगते हैं बड़ा स्वाद भी। आप हमें एक चकली भी जो चोरी कर ली। तो अब हम आई थिंक जा रहे हैं ग्रोसरी लेने। निग निग निग, आई हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? निग को निग हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कोसा 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 नहीं कोसा कोसा लग रहा है, लेकिन मतलब वार्म्थ। मतलब मैं आज इतना, मुझे लगा था इतनी ठंड नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमें ग्रोसरी भी लेने जाना है। तो कभी भी मैं जैकेट के बिना नहीं आती क्योंकि अंदर बहुत ठंड की होती है इन्होंने ग्रोसरी स्टोर में। तो अभी मैं गाड़ी में आई हूँ ना, ऐसे लग रहा है जैसे ठंडी रात में ना किसी ने ऊपर रजाई दे दी हो। नहीं मैडम, मन नहीं कर रहा ठंडा भी कुछ भी। लेकिन हिंदी में निग को क्या बोलेंगे यार? कमेंट करें नीचे। हाँ बताओ, मुझे खुद नहीं पता, आई डोंट नो रियली। मैं बना रही थी आज, मैंने बनाई है भिंडी और मैंने बनाया है चिकन। अब देखने जाते हैं वो बाप बेटी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हाय, ओ माय गॉड, तनवीन। पापा, पापा? रियली? आई कांट इवन। पापा लव टी। माय गॉड, ओ माय गॉड, सारी बॉल। तो तुम बनाओ कुछ। अच्छा चल, शाबाश। दिस इज नॉट फनी पिगली, दिस इज नॉट फनी। यार बच्चा तो ठीक है, एक मतलब हाउ कुड यू लेट हर डू। तो बंदे को किधर सी क्यों किधर दस खुश होने पेन फड़ के लिख दी भी है ना। मुंह का पापा इधर मुंह कर, एक मिनट। हां पापा ठीक, अपना मुंह ठीक, इधर मुंह कर ठीक। मम्मा मम्मा बंद दे आ बे। ओए मेरे पेन फटना आ गया, तेरे पता है इतने बच्चे मोस्टली इधर पेन फटते हैं। बाप के साथ छोड़ोगे बच्चे को, यही करवाएगा सारा। पापा लव टी। अभी तक पापा किधर? मम्मा नु दस दी मैं की किता तुसी। मम्मा को बताती हूँ।